जाए सब मिलके। अभी क्या करना क्या नहीं पता नहीं, इतना बोर होने लगता है ना। अभी ये पेंडेमिक चल रहा है तो इसकी वजह से ना पता नहीं चलता कि दिन भर क्या करें, कितना सोए, कितना क्या करें। तो मैंने सोची चलो आप लोगों को हमारे सोनी की शादी का एल्बम दिखा देती हूँ, इसीलिए हमने ऐसे नीचे कारपेट डाल दिया और सब जन बैठ गए। और अभी भैया भी आ गया तो हम लोग सब मिल के देख रहे थे कि हम कैसे दिख रहे थे, क्या कर रहे थे। तो इसलिए मैं अभी आइए आपके साथ शेयर करूंगी एल्बम में कौन क्या है वगैरह सब, तो आपका भी उतना ही टाइम पास हो जाएगा और हमको भी अच्छा लगेगा। और लाइक करना, बिल्कुल लाइक करना, पर आप लाइक नहीं करते हो और आप शेयर भी नहीं करते हो। और सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, देखो इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा नहीं, कुछ ज्यादा थोड़ी ना मांग रही हूँ आपको, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, धड़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इधर उधर उधर सब शेयर कर दीजिए। और छोटी छोटी खुशियों में ही अपना ये देखो कि वो छोटी छोटी बातों में ही अपनी खुशियाँ मनाओ और खुश रहो। आप भी खुश रहो, हमें भी खुश रखो। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को खुश रखने के लिए। और हमारा रॉम्पी भैया पता नहीं अब क्या कर रहा है, तो ये दिखा रहा है सीढ़ी। तो ये सीढ़ी तो मैं अभी कुछ अभी ये हो गया एल्बम का, तो अभी हम लोग एल्बम दिखा देती हूँ और उसके बाद हम फिर 2014 में चले जाते हैं और शादी में जाते हैं। हमारे सोनी की शादी में हम ही लोग जाते हैं। और अभी आपको तो पता ही है अभी फिर से हमारे घर में एक शादी होने वाली है और देखो दूल्हा दुल्हन मेरे बाजू में ही बैठे हैं। तो चलो देखते हैं, फटाफट एल्बम दिखाना मैं चालू कर देती हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। हाय गाइस, तो आज क्या है, अभी देखो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अपने को खुद को खुश रखना है और अपने फैमिली को खुश रखना है और आप लोगों को भी खुश रखना है। आप लोगों का भी टाइम पास किस तरह से ज्यादा तो नहीं लेकिन 5-10 मिनट का आपका जो भी है वो भी हमारे साथ बीत जाए तो कितना अच्छा ना। तो मैंने सोची क्यों ना आज फिर हम सोनी का एल्बम आपको दिखा दे। सोनी यानी हमारी रीमा जो उसकी शादी हो गई है और छोटे बेबी के मैं डालती हूँ ना वीडियोस औरलिया के, तो उसकी मम्मी यानी मेरी बेटी सोनी रीमा और निखिल की शादी का। तो मैं सोची चलो आज का ब्लॉग ऐसे बनाते हैं कि आपको मैं आप सब तो शादी में आए नहीं थे और फिर कैसे देखोगे आप एल्बम, तो शादी में नहीं आए थे इसीलिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार। तो वो शादी का जो है एल्बम है वो मैं आपको एक एक करके एक एक फोटो दिखाती हूँ उसके, और आपको खुद को भी लगेगा। और अभी तो शादी वादी सब बंद ही है। तो सोनी की शादी हो गई थी सितंबर 6 तारीख को 2014 में, सितंबर महीना था। अभी मैं कार्ड देख रही थी लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हूँ तो वो दिख ही नहीं रहा। तो ये है हमारी सोनी यानी रीमा और ये है हमारा निखिल पटनकर रीमा किस्ती। तो ये सबसे पहला फ्रंट पेज है तो आपको दिखाती हूँ। और हम लोग ना इतने काम वगैरह थे ना शादी में तो हमारे इतने अच्छे फोटो नहीं है, लेकिन देख लो जैसे भी आए हैं, वैसे हम इतने कोई सुंदर तो है ही नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखो शादी हुई थी क्रेजी कसल में। और ये देखो निखिल, महाराष्ट्रियन स्टाइल से हमने शादी की थी सोनी की। और ये मेकअप भी मैंने की थी, निखिल का भी मेकअप मैंने की थी और सोनी का भी मेकअप मैंने की थी। मैंने कोई मेकअप वाली वगैरह नहीं लगाई थी या पार्लर में वगैरह नहीं गए थे। तो ये है इसका फ्रंट पेज, मेहंदी वाली आई थी लगाने के लिए। और ये मैं और ये हमारी अर्जू और ये सोनी की फ्रेंड रुचा और ये हमारी छकुली, ये हमारा विक्की, ये रॉम्पी और ये कौन है इससे दिख नहीं रहा, ये रॉम्पी का फ्रेंड था शायद। और ये हल्दी के बाद, हल्दी में उसने ये ऐसी साड़ी पहनी थी और उसके बाद ये लाल वाला सूट पहनी थी। और ये है उसकी मम्मी यानी निखिल की मम्मी, सोनी की सासू माँ। हमारा निखिल कितना सुंदर दिख रहा था, तब उसके बाल ना छोटे छोटे थे, अभी उसने कटवा लिए हैं, बीच में उसने थोड़े पोनी के जैसे कर लिए थे। और ये मैं हूँ और ये सोनी की सास है यानी निखिल की मम्मी प्रतिमा मैडम है। और ये पटनकर रेडी है यानी सोनी के ससुर जी। और ये हमारी संगीता और ये राजश्री आंटी है, उसकी काकी है। और ये रोहन है। और ये देखो, ये जब हमने एंट्री किए थे ना तब का है, क्रेजी कैसल जो है नागपुर में वहाँ पे हमने उसकी शादी की थी।
तो ये जब एंट्री मारे तब की है और ये अभी शादी के लिए चढ़ रहे थे। और ये देखो ये कुछ इधर से मेरे को थोड़ा उड़ा, ये पीछे पहनते वक्त का है, ये मांग भरते वक्त का, और ये कुछ फोटो सेशन किया था तब का है, और ये माला वरमाला पहनते वक्त का है, ये देखिए ये मंगलसूत्र पहनाते वक्त, और ये इन्हें शादी के पहले दोनों खड़े रह के फोटो निकाला था, और ये मिस्टर किस्ती, और ये मैं शादी लगा रही हूँ, और ये हमारी अर्जु, ये हम दोनों, ये इससे खेल करते वक्त, और ये इधर ये पिंकी, और ये कुछ बातें कर रहे थे सबका है ना, ऐसे बीच बीच में उन्होंने निकाले थे, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैं मुझे काम भी थे ना, तो मैं काम में बिजी थी। और ये देखो सोनी कैसे खिलखिला के हंस रही है, अच्छी लग रही थी सोनी, बहुत सुंदर दिख रही थी, ज्यादा मेकअप नहीं किया था हमने, सिंपल सा मेकअप किया था। और ये सब निखिल के फ्रेंड्स है नीचे, ये निखिल के मम्मी डैडी है, और ये दादा दादी है, और ये सब उसके फ्रेंड्स ही है, और ये अपना रोम्पी, और ये हमारी फैमिली, ये उसके ससुर के उधर की फैमिली है, पाटनकर लोगों के यहाँ की, मार्ट दिख रहे हैं, और मैं बहुत थकी थकी काली काली दिख रही थी, ऐसे काली ही हूँ। और ये रोम्पी की तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा थका थका सा दिख रहा है उसका, वो टेम्परेचर आ गया था तब। और ये भी है, वो बाहर के ही है, क्रेजी कसल, बहुत सुंदर था क्रेजी कसल, अच्छा हो गया अपने पास फोटो के वजह से, यानी उसकी याद तो भी रहेगी क्रेजी कसल की। और ये मेरे फ्रेंड्स से सब, ये हमारी वनिता, और ये हमारी संगीता, बाकी ये हमारी फैमिली है पूरी, हमारी मामी वगैरह, माला वगैरह, और ये देखो ये है क्रेजी कैसल। झूला वहां पे है, इसको तोड़े नहीं है, दिखता है रोड से जाते हुए। हमारा जो फोटोग्राफर था ना, उसने बहुत सुंदर फोटो निकाले थे, ये पायल पहनाते हुए। शाम को रिसेप्शन दिया था, उसी में क्रेजी कसल में ही दिया था, और ये उनका वो तब का लुक है, ये रिसेप्शन का लुक है। कपड़े चेंज के आ गए, करके आ गए थे, सुबह वो यानी महाराष्ट्रियन लुक के पहने थे, और शाम को फिर वेस्टर्न टाइप के पहने थे। और ये देखो सामने से ये ऐसा कुछ डेकोरेशन किया था उसका, और ये हॉल, और ये क्रेजी कसल ऐसे दिखता था, और ये स्टेज का फोटो, और ये खाने के वक्त, खाने के वहाँ की तैयारी, अच्छा था लेकिन बहुत ही सुंदर था। और ये सोनी का घाघरा ना इतना सुंदर लग रहा था, बॉम्बे से ली थी मैंने सांता क्रूज से, और ये निखिल का ड्रेस भी उधर से ही लिए थे हमने, ऐसे लाइट कलर था, बहुत ही सुंदर था, और बहुत सुंदर लग रही थी सोनी। ये वाला मेकअप भी मैंने ही किया था, इस वक्त भी हमने कोई ब्यूटिशियन को वगैरह नहीं बुलाया था। ये हमारा समीर भैया, ये हमारी शिबी, और ये इसका नाम ही दीपिका दी, और ये हमारे कॉलोनी के मेरे फ्रेंड्स, और वो जो मेरी मनी थी ना, ये देखो मनीषा,
ये बॉनी था। तो ये ऐसे हमारे फ्रेंड्स थे, बहुत बहुत लोगों को नहीं बुलाई थी लेकिन थे ऐसे। ये हमारे पूरे फैमिली के बच्चे, ये सोनी के भाई बहन, ये हमारा रोहित, विक्की, रुचिता, और ये सोनी, निखिल, रोम्पी, और ये सनी भैया। और ये फेरों की जगह थी। और फिर हम सब होने के बाद निकल रहे थे, तो ये लास्ट ये आखिरी वाला फोटो था हमारा, वहां से निकल रहे थे फिर सब लोग। ये हमारी पूरी फैमिली। अभी मैंने सोनी का हाथ निखिल के हाथ में दे दिया था इस वक्त, वो लाल ये वाला फोटो निकाला था हमने। और ये सोनी ने अपना फोटो बहुत सुंदर निकाले थे। अब पता नहीं आपको वीडियो में कैसे दिखेंगे, लेकिन एल्बम में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। ये हमारा रौनक, अरे रोम्पी का नाम पता है आप लोगों को, रौनक है। रौनक, हर बार मैं उसको प्यार से रोम्पी बोलती हूँ, लेकिन उसका नाम ना रौनक है। छोटा बच्चा दिख रहा है ना। और ये था हमारा फोटोग्राफर विजन प्लस, उसका कुछ नाम है उसके फोटोग्राफी का, जो उसकी शॉप है ना वहाँ का, उसका नाम ही भूल गई मैं भी, क्या नाम है, तो प्रत्युष या ऐसा कुछ नाम है। तो ये नंबर वगैरह है, ऐसे कुछ नहीं, उसके ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने बेचारे ने इतने अच्छे से निकाला था। तो ये था हमारे सोनी के शादी के एल्बम का लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करो यार, कितने बार बोलना पड़ता है, फुकट है, फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यानी मेरे को तो थोड़ा ऐसे प्रोत्साहन तो आना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं बोलती कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा वो क्या है, कुछ नहीं करना है, लाल को ब्लैक करना है, आइकन बटन दबा देना है, बस इतना ही काम आप लोगों को करना है। और मेरा काम क्या है, आपके लिए अच्छे 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 ब्लॉग बनाना। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। सुखाने रहा आणि सोईनी रहा आणि रूपरेखा जिने जी रहा, बघत रहा।